हेलो भाई, मोहित रफ एंड टफ गाड़ियों का तो नाम आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, मैं बताने के लिए ही हूँ भाई। रफ एंड टफ गाड़ियाँ हमें बस रॉयल इनफील्ड ही ऑफर करता है, बस रॉयल इनफील्ड और कोई नहीं ऑफर करता। खैर, आइए जानते हैं रॉयल इनफील्ड ने अपनी कौन कौन सी गाड़ियों को कितना बेचा है पिछले महीने। वीडियो में भाई भरपूर मजा आने वाला है, एंड तक देखना प्लीज। इंडियन मार्केट में 10 नाम से रॉयल इनफील्ड बेचता है अपनी गाड़ियों को। तो 8th नंबर पे है भाई 650 ट्विन्स। अभी इसमें अपने को दो मॉडल मिल जाते हैं, कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर। दोनों गाड़ियों कंबाइन मार्च के महीने में आपकी 1488 यूनिट बिकी भाई पूरे भारत भर में। फरवरी में 1170 यूनिट बिकी थी। कंपेयर करा जाए तो 318 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी कॉन्टिनेंटल का हाल फिलहाल में ही अपडेटेड मॉडल लॉन्च हुआ है भाई, जिसमें उन्होंने रिम हटा के एलोवील डाल दिया, LED हेडलैम्प डाल दिया, मजा आ गया भाई देख के। 7 कलर ऑप्शन है उसमें आपने वो मिलने लगे हैं भाई। प्राइस उसका शुरू होता है 366,355 रुपये से। 47 BHP का पावर मिलता है, 52 Nm का टॉर्क मिलता है, 25 KMPL तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं, बाकी 211 kg का अपने वो कर्वेट मिलता है। LED वगैरह देख के भाई मजा आ गया मेरे को, कुछ भी कहो भाई। 7th नंबर पर सुपर मेटियोर। अभी तक इसका सेल्स फिगर मैंने आप सभी को कभी नहीं बताया, पहली बार बता रहा हूँ। मार्च के महीने में इसकी 2293 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। फरवरी में तो ये अवेलेबल ही नहीं थी, मतलब वही कह सकते हो पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 2293 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है। सुपर मेटियोर में भी अपने को वही इंजन मिलता है भाई, 650 cc का। कलर मिल जाते हैं भाई 7। बाकी प्राइस की बात करती हो तो ये आपकी इंटरसेप्टर से थोड़ा सा महंगी हो जाती है, 404,920 रुपये से मिलना शुरू होती है भाई। 46.3 BHP का इसमें पावर मिलता है, 52.3 Nm का टॉर्क मिलता है, 20 KMPL तक ये गाड़ी दे देती होगी माइलेज, 20-21 का। बाकी इसका करवेट ज़्यादा है भाई, 241 kg करवेट है भाई साहब, गाड़ी बहुत ही भारी है यार। कहाँ इंटरसेप्टर 211 kg की है और ये 241 kg, मतलब अच्छा खासा आपको हेल्दी होना पड़ेगा भाई इस गाड़ी को चलाने के लिए। बात करते हो अगली गाड़ी की तो 6th नंबर पे है भाई हिमालयन और स्क्रैम। दोनों का सेल्स फिगर मैं ऐड बताऊंगा। मार्च के महीने में 2633 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। फरवरी में 2841 यूनिट बिके थी। लगभग 208 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी हिमालयन में आपने को 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई, 254,029 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। 24.3 BHP का पावर मिलता है, 32 Nm का टॉर्क मिलता है, 28 KMPL तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं, 28 से 30 तक। बाकी कॉर्वेट अपने को मिलता है 199 kg का। तो हिमालयन एक ऐसी गाड़ी है ना भाई, मतलब आप बिंदास ऑफ रोडिंग करो, कहीं पे भी लेके जाओ, कितना दूर भी लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उससे आगे बढ़े तो 5th नंबर पे है भाई इलेक्ट्रा 350। अभी इसके बारे में आप सभी बहुत कम ही जानते होंगे, ये बुलेट वाला ही मॉडल है भाई, बस इसमें अपने को इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं मिलता, किक स्टार्ट मिलता है। मार्च के महीने में इसकी 3374 यूनिट बिकी भाई पूरे भारत भर में। फरवरी में 5109 यूनिट बिकी थी। लगभग 1735 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। इसके सेल्स फिगर में तो गिरावट आ गया, पहली बार मैं देख रहा हूँ। इसमें अपने को 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई, 1,60,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। बुलेट वाला इंजन है भाई, तो 19.1 BHP का पावर मिलता है, 28 Nm का टॉर्क मिलता है, 38 KMPL तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं, बाकी 191 kg का अपने को कर्वेट मिलता है इसमें। बात करते हो अगली गाड़ी की तो भाई 4th नंबर पे है हमेशा की तरह मेटियोर। मार्च के महीने में मेटियोर की 6211 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। फरवरी में 6698 यूनिट बिकी थी। लगभग 487 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। इसका भी वही हाल है। मेटियोर में अपने को 13 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। प्राइस की बात करते हो तो 232,273 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। इंजन अपने को इसमें वही 20.2 BHP वाला मिलता है, 27 Nm टॉर्क वाला। माइलेज आपको 35 तक दे देगी ये गाड़ी, बाकी 191 kg का इसमें करवेट मिलता है भाई। मतलब इलेक्ट्रा और आपका मेटियोर का सेमी करवेट है और बुलेट का। 3rd नंबर पे है भाई बुलेट। इसकी मार्च के महीने में 8595 यूनिट बिकी भाई पूरे भारत भर में। फरवरी के महीने में 8232 यूनिट बिकी थी। लगभग 363 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। बुलेट में अपने को 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई, 1,74,202 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें इंजन वही मिलता है जो इलेक्ट्रा वाला बताया भाई, 19.1 BHP, 28 Nm टॉर्क, 38 KMPL तक माइलेज, बाकी 191 kg का अपने कर्वेट मिलता है। देखो भाई, बुलेट को वही लोग लेते हैं जिनको पुराने ज़माने से बुलेट पसंद आते आ रहा है, समझ रहे हो ना। आजकल के लोग भाई बहुत कम ही बुलेट को चूज करते हैं, वो लोग क्लासिक की तरफ जाते हैं, मिट्योर की तरफ जाते हैं, हंटर की तरफ जाते हैं। 2nd नंबर पे भाई हंटर 350। अभी मार्च के महीने में इसकी 10,824 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। फरवरी के महीने में 12,925 यूनिट बिके थी। लगभग 2101 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई।
मतलब एकदम उल्टा ही हो गया। ये गाड़ी भाई कुछ महीनों से इम्प्रूवमेंट में ही चल रही थी, हर महीने ज़्यादा बिक रही थी, लेकिन अब गिरावट आने लगा भाई। अब देखते हैं अगले महीने क्या होता है, वो तो भाई सेल्स फिगर आने के बाद ही पता चलेगा। मेरे को नहीं लगता यार इम्प्रूवमेंट में होगी। प्राइस की बात करते हो तो 172,911 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है गाड़ी। पावर इसमें अपने को मिलता है 20.2 BHP, 27 Nm का टॉर्क मिलता है। माइलेज अपने को मिलता है 35 KMPL तक, बाकी 177 kg का इसमें अपने को कर्बिट मिलता है। हंटर का बिकने का राज मैं आपको बताऊं भाई, ये गाड़ी मतलब इतनी वैल्यू फॉर मनी है पूछो मत भाई। इतने प्राइस में लोग बाग पल्सर अपाची लेते हैं तो बताओ, रॉयल इनफील्ड ने कमाल ही कर दिया ना। इतने प्राइस में आपको हंटर मिल रहा है जिसमें 350 cc का इंजन है, लुक भी तगड़ा है, समझ रहे हो, इसीलिए भाई ये गाड़ी बिक रही थी। लेकिन अब पता नहीं क्या सीन हो गया। फर्स्ट नंबर पे है भाई क्लासिक 350 हमेशा की तरह। मार्च के महीने में क्लासिक 350 के भाई 24,466 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। फरवरी के महीने में 27,461 यूनिट बिकी थी, लगभग 2995 गाड़ियाँ कम बिकी हैं भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। क्लासिक में भी अपने को 15 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। 219,936 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है गाड़ी। पावर इसमें वही 20.2 BHP, 27 Nm टॉर्क, 35 KMPL तक माइलेज, बाकी 195 kg का अपने को कर्बिट मिलता है। मैंने आपको बताया ना भाई, जो लोग क्लासिक को पसंद करते हैं वो बुलेट फुलेट नहीं लेंगे कभी भी, लेकिन जो बुलेट को पसंद करते हैं वो क्लासिक कभी नहीं लेंगे भाई। यहाँ पे हम सभी ने भाई रॉयल इनफील्ड की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जान लिया मॉडल वाइज। मिलते हैं कल किसी और कंपनी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई वो दिल से। जाते जाते एक और बात बताना चाहूंगा, आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा था कोई तो ले लो हंटर को, भाई हंटर का सेल्स देख के मैंने ऐसा बोला था।